इट इज देयर स्टोरी टोटली. कुछ रियल लाइफ इंसिडेंट्स को हमने लेकर एक फिक्शनल कहानी बनाई है. सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ बोथ बेसिकली. आई विल नॉट डिस्क्लोज दैट टू यू, वी हैव टू सी द मूवी फॉर दैट. मैं खाली आपको एक बार बताऊंगा कि इस पे जो कैरेक्टर्स है वो रियल लाइफ कैरेक्टर से काफ़ी मिलते जुलते हैं. अभी कौन से कैरेक्टर से मिलते जुलते हैं वो आपको फिल्म देख के पता लगेगा, बट आई वुड नॉट से इट नाउ एट दिस स्टेज. क्योंकि एक ये फिल्म बेसिकली एक बहुत टेंडर लव स्टोरी है, इट्स अ वेरी इमोशनल फिल्म. तो मुझे लगा कि एक कहावत है ना, बोलते हैं बीता हुआ सुख भी दुख देता है. तो इट डील्स विद दैट काइंड ऑफ इमोशन कि व्हेन यू थिंक बैक अबाउट द पर्सन हुम यू हैव शेयर्ड लवली मोमेंट्स, टेंडर मोमेंट्स, प्योर मोमेंट्स, इट्स अ फिल्म अबाउट दैट दैट काइंड ऑफ एन इमोशन. तो वो हमें इससे बेहतर टाइटल हमें मिलने पाया. अगर एक अच्छी कहानी है तो क्यों नहीं डालूं? क्यों विनोद चोपड़ा ने गांधी जी पे कहानी फिल्म बनाई? क्यों विनोद चोपड़ा ने गांधी जी पे फिल्म बनाई? क्यों रिचर्ड एटनबरो ने गांधी पे फिल्म बनाई? क्यों के देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, व्हाई व्हाई नॉट, मैं पूछता हूँ, व्हाट्स रॉन्ग इन इट? एक अच्छी लव स्टोरी मुझे मिल रही है और अगर एक लव स्टोरी मेरे घर में ही है, जो मेरे भाई ने जो जिंदगी बिताई है उससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है? एंड व्हाट्स रॉन्ग अबाउट इट? इट इज़ माई स्टोरी, वो मेरी दोस्त रही है परवीन. तो अगर हमने कुछ अच्छे मोमेंट्स साथ में गुजारे हों और एक फिल्म है जिसमें हम उसे उस शख्स को उस औरत को एक ट्रिब्यूट देते हैं, व्हाट्स रॉन्ग इन इट? म्यूज़िक टच हुआ हमारे ट्रेडिशन, विशेष फिल्म का जो ट्रेडिशन रहा है, हमेशा हमारा म्यूज़िक अच्छा रहता है. और ख़ास करके क्योंकि ये एक लव स्टोरी है तो इसका म्यूज़िक का हिट होना बहुत ज़रूरी था. और मुझे खुशी है कि इसका म्यूज़िक अभी टॉप ऑफ चार्ट्स पहुँच चुका है, सो आई एम हैप्पी. और प्रीतम हमारा कॉम्बिनेशन आफ्टर गैंगस्टर का म्यूज़िक भी है, आपको पता है कि ऑल ओवर द कंट्री एक क्रेज़ रहा है गैंगस्टर के म्यूज़िक का. तो सिमिलरली अभी सुनने में आता है कि मेरा बेटा, मैं तो क्लब जाता नहीं हूँ, मेरा बेटा काफ़ी क्लबिंग करता है, तो वो बोलता है कि क्या मुझे प्यार है इज़ नंबर वन इन ऑल द क्लब्स. सो दैट्स अ गुड साइन, आई एम हैप्पी टू नो अबाउट. परवीन की अमर अकबर एंथनी, अकॉर्डिंग टू मी शी वॉज फैंटास्टिक इन दैट फिल्म. वो जो गाना था अमिताभ के साथ, हमको तुमसे हो गया था प्यार, वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट सॉन्ग्स इन दोज डेज. दैट वॉज परवीन बाबी फॉर मी. गॉर्जियस, ब्यूटिफुल, लाइवली, वाइब्रेंट, दैट वॉज परवीन बाबी.